नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि राष्ट्र नहीं बनता केवल भाषण वादों नारों से, राष्ट्र नहीं बनता केवल बरछी तीर तलवारों से, राष्ट्र नहीं बनता मंदिर मस्जिद मीनारों से, बल्कि राष्ट्र बनता है उस राष्ट्र के नागरिकों के आचार विचारों से। कितनी गहरी और सुंदर सी बात है ना। राष्ट्र के निर्माण में विचारों का और आचरण का बहुत सुंदर और श्रेष्ठ स्थान है। और जब हम विचारों की बात करते हैं तो ये विचार हमें ऊपर से प्राप्त होते हैं। खास करके यदि हम राजनीति के क्षेत्र में देखें तो वहीं नीति निर्माता भी हैं जो हमें सुंदर विचार प्रदान करते हैं। न केवल हमारे जीवन को एक संबल उससे मिलता है, बल्कि सारे राष्ट्र का जो रूप है वो भी उससे गढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो राजनीति एक बहुत ही श्रेष्ठ और आदर्श कैसे हो सकती है, और कैसे राजनीति में जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी हमारे देश को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं, उस पर लगातार चिंतन होता रहता है। चिंतन होने की आवश्यकता भी है ताकि हम राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बना सकें, जिस देश की गरिमा आदिकाल से ही सर्वोच्च रही है। भारत को आध्यात्मिक गुरु कहा जाता रहा है, भारत की ओर सारा संसार देखता रहा है, तो उस भारत माँ की ओर सारा संसार पुनः देखे, उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि राजनीति को सचमुच बहुत बुलंदी तक हम लेके चलें, और राजनीतिज्ञों का इसमें अहम रोल होता है। आज मैं राजनीति की बात इसलिए कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि हमारे पास आज स्टूडियो में राजनीति के क्षेत्र से ही एक महान विभूति पधारे हुए हैं। आप हैं हरिभाव चौधरी जी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और साथ ही एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम बहुत अभिभूत हैं कि आज आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं। विशेष करके शुरुआत करना चाहूँगा चौधरी जी, देश की आज की जो हमारी स्थिति है, जो बहुत सारी सामाजिक ऊपर चढ़ाव उतराव की स्थिति हम देखते हैं, इस स्थिति में बदलाव के लिए विशेष करके क्या प्रयास किए जाने चाहिए आपके विचार से? पहले तो जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधान बने 18 महीना हो गया, तो उनमें जो उन्होंने पहला सबसे अच्छा काम योग को इंटरनेशनल बनाया, पूरा विश्व को योग दिन मनाने को सहमत किया जी, उसी वजह से योग की वजह से मन स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, तो अशांति पैदा नहीं होगी दुनिया में, और कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट के स्टेप लिए हैं, उसके कारण देश अभी प्रगति की ओर जा रहा है। जी 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 जी, हम सब उसे देख रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, और सचमुच मन बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जहाँ योग की बात होती है चौधरी साहब, तो ज़्यादातर हमने देखा कि केवल बाहरी जो हमारे प्राणायाम हैं या योगा हैं उसे ही हम योग समझ रहे हैं, लेकिन राजयोग एक बहुत गहन विधा है जो शायद मन को, आत्मा को ईश्वर तक ले चलता है। क्या इस राजयोग को भी विश्व मंच पर नहीं लाया जाना चाहिए? आपकी बात सही है। ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग है, और पिछले 20 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो शांति के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, इसके लिए राजयोग को भी विश्व का करे तो कोई बुरा चीज़ नहीं है, इसके लिए भी प्रयास हम जरूर करेंगे। लेकिन मुझे तो ब्रह्मा कुमारी की जो एक्टिविटीज है, खास तौर पे प्रधानमंत्री का प्रमुख जो विषय है, वो आप सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान है जी जी। योग का है, कृषि का है जी। व्यसन मुक्ति का है, जो सामाजिक काम कर रहे हैं जब ब्रह्मा कुमारी, उससे मैं पहले से ही प्रभावित हूँ। अभी किसानों के लिए भी जैविक खेती कैसे करना, किसानों की बात सुनते हैं, साथ साथ में शांति के याद दिखाते हैं, शांति से कैसे रहना, दिन में 5 बार ट्रैफिकिंग होता है तो बंद हो जाता है, मेरे को बहुत पसंद आया ये चीजें जी जी। और ऐसे भी मैं 20 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे विशेष आनंद इसलिए हुआ कि मेरा सौभाग्य है कि जानकी दीदी जैसे 100 साल पूरे किए, मैं तो ऐसा ही समझूंगा कि महिला सशक्तिकरण में महिला को एक पूरा एक संदेश जाने वाला है कि एक महिला क्या कर सकती है। 100 साल में तपस्या किया, सेवा किया, शांति का संदेश दिया, और आज 100 साल के पूरे होते भी आज उनका मैंने आशीर्वाद जो लिया, आज भी उन्होंने सबको बोला शांति से रहो, कलयुग गाएगा, सत्ययुग आएगा, ये जो बातें कही, तो आज मैं खूब प्रसन्न हुआ। आज मैं उनको
अभिनंदन करता हूँ कि 100 साल से भी ज्यादा भगवान इतना लंबू आयु दे कि और सेवा कर सकेगा। हम जैसे लोग भी आज लगभग 5 से 10 हजार लोग आए थे, सबने आशीर्वाद लिया और उसमें से प्रेरणा लेंगे तो अपने जीवन जरूर सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक विशेष संदेश है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय का कि हम समाज को, भारतवर्ष को, सारे संसार को सुखमय बना दें, स्वर्ग बना दें, स्वर्णिम बना दें, और बापू गांधी जी का भी यही स्वप्न था। आपको क्या लगता है कि इसे साकार करने के लिए जो ब्रह्मा कुमारीज कार्य कर रही हैं, कब तक ये सार्थक हो पाएगा और हर एक इंसान को भी क्या करना चाहिए? देखिए, पूरा देश में आप भी जानते हैं कि आस्था चैनलों पर रामदेव बाबा हो, मुरारी बापू हो जी, ऐसा सब लोग अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। प्रयास करना ये कोई गुना नहीं है। थोड़ा भी एक आदमी, मैं एक उदाहरण दूंगा, मुरारी बापू को मैं एक बार पूछा था कि आप इतनी कथा करते हैं, आस्था चैनल पर इतना भजन है, फिर भी क्यों लोग सुधरते नहीं है? जी जी। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा जवाब दिया था कि पूरा समुद्र है, उसमें एक बाल्टी अच्छा पानी डालेंगे तो कुछ समय के लिए तो अच्छा पानी रहेगा पूरा जो समुद्र में। जी। ऐसा ही समझो कि आज रामदेव बाबा योग कराते हैं, कई लोग कथाकार कथा करते हैं, जैसे जानकी दीदी और पूरा ब्रह्मा कुमारी परिवार, जितना भी प्रयास, छोटा सा भी प्रयास, पर वो प्रयास सही दिशा में जा रहा है। मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे, जैसे जानकी दीदी ने बताया कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, उस टाइम राजयोग का पूरा सम्मान होगा। बिल्कुल। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की इसमें क्या भूमिका आप मानते हैं, क्योंकि एक अध्यात्म की ओर रुझान देखने में आता है थोड़ा कम होता चल रहा है, क्या इस रुझान को कैसे हम बढ़ाएं, और जो ब्रह्मा कुमारीज कर रही हैं, क्या इसे जन जन तक ले जाने से समाज का जो स्वरूप है परिवर्तित हो सकता है? पहला तो समाज में एक संस्कार जैसे होना चाहिए, परिवारवाद होगा तो संस्कृति का जतन होगा, और जो भी हम प्रयास करते हैं इसे नाराज होने की मैं आवश्यकता नहीं मानता हूँ। धीरे धीरे जागृति आती रहती है। अभी लोग पहले व्यसन छोड़ने में जागृति आई है कि भाई अभी व्यसन नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई कदम उठाएंगे ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी का जो कदम है, मैं सही बताता हूँ, अच्छा है। जी 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 जी, इस दिशा में प्रयास होते रहना चाहिए। तो विशेष करके एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, दादी जी के शताब्दी समारोह में आप आए हुए हैं, दादी जी से आपकी मुलाकात लगातार होती रही होगी, तो दादी जी के लिए विशेष जो आपकी शुभकामनाएं हैं वो मैं चाहूँगा। मैं तो पहला तो पूरा कैंपस बहुत ही सुंदर है, और सुंदरता के पश्चात जी डिसिप्लिन है वो मुझे बहुत पसंद आई, तेज अच्छा था। और 100 साल की उम्र में जानकी दीदी ने जो आज आशीर्वाद दिया, ज़्यादातर के तो 75 के ऊपर जाते हैं तो किसी का माइंड नहीं चलता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से आज आशीर्वाद दिया जी। मैं मेरा जीवन में धन्यता अनुभवता हूँ, आज मैंने भी उनका आशीर्वाद लिया जी। पूरा वह परिवार ने जो मेहनत किया है, और एक शानदार सभी राजकीय आगे बनाए, इतना ही नहीं साधु संत हर संप्रदाय के लोग आए जी जी, स्वामीनारायण वाले थे, जैन थे, हिंदू समाज के आगे बन थे, राजकीय नेता थे, सोशल थे, तो ऐसा सभी का साथ इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। आज समझता हूँ कि मेरे जीवन में इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने देखा नहीं है, एक 100 साल का शताब्दी जन्मदिन को हो और इतना लोग इकट्ठे हुए जी जी, और फिर भी जानकी दीदी अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, उससे मेरे को तो ऐसे मेरे मन में तो जरूर आएगा मैं भी 100 साल के ज्यादा जीऊंगा, ऐसा मेरे को प्रेरणा मिला है। हम सबकी बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि हम आपकी भी शताब्दी समारोह ऐसे ही धूमधाम से मनाएंगे। आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं चौधरी साहब, तो देश की स्थिति, सामाजिक स्थिति आज जो हम देखते हैं कि थोड़ी सी जो हमें खुद ही कष्टप्रद लगती है, इन स्थितियों में सुधार के लिए इस आध्यात्मिक शिक्षा का क्या हमारे सिलेबस में समावेश नहीं किया जाना चाहिए? किस प्रकार का प्रयास आप सोचते हैं कि करें हम? हम लोग शिक्षा में भी प्रयास करते हैं, जैसे कि हमारा मैं राष्ट्रीय स्वयं से हूँ जी, तो जैसा आप लोग प्रयास करते हैं वैसा संघ भी करता है, वनवासी कल्याण बंध है, विद्यार्थी भारती है, तो ये अपना संस्कृति का जतन करने के लिए हर थोड़ा प्रयास होता रहता है। और नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बना तब से तो वो ये सब चीजें, देखो स्वच्छता अभियान अलग बात है, स्किल डेवलपमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
व्यसन मुक्ति, एक एक चीज जो समाज को जरूरी है वो काम शुरुआत हो गई है और लोग स्वच्छता के बारे में सोचने लगेंगे, उसके बाद खुद स्वच्छ हो जाएंगे तो मन स्वच्छ होगा, मन स्वच्छ होगा तो देश अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। जी 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 जी, इस बाहरी स्वच्छता के साथ जो यहाँ एक आंतरिक स्वच्छता की सीख या पाठ पढ़ाई जा रही है उसे कितना आवश्यक मानते हैं? देखो तो आंतरिक शांति का तो जरूरी है, आदमी बाहर से सुखी देखता है अंदर से दुखी होगा तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जब सिंप्लिसिटी आएगा, सादाई आएगा तो अंदर शांति जरूर आएगा। जी मैं ऐसा मानता हूँ। जी 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 जी, लेकिन उसके लिए सभी लोगों को ऐसी संस्थाओं में जाके प्रेरणा लेना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जी जी, आजकल लोग ये मानने लगे हैं कि धर्म के लिए अध्यात्म के लिए हमारे पास कहाँ समय है, हम तो भाग रहे हैं, बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, इसके लिए समय नहीं है। आप इस अध्यात्म को, मेडिटेशन को, योग को हर एक व्यक्ति के लिए चाहे किसी भी क्षेत्र में कितना आवश्यक मानते हैं? नहीं नहीं, जीवन में योग और अध्यात्म रहना खूब जरूरी है। ये दुनिया की दौड़ में लोग समझते नहीं, लेकिन खुद के लिए एक दिन में एक घंटा निकालना तो आदमी कुछ कितना भी व्यस्त हो तो निकाल सकता है। ये तो एक बहाना है कि टाइम नहीं है। मुझे मुरारी बापू ने जवाब दिया था कि कथा में बोले कि हम नहीं आ सकते तो कि तुम एक्सीडेंट हो जाए ना, हाथ पैर टूट जाए तो 15 दिन किस तरह से निकालते हो, उस टाइम किधर से निकालते हो? जी जी। तो शांति से जीवन तो हाथ पैर भी नहीं टूटेगा। मतलब स्व की इच्छा होनी चाहिए, यानी इच्छा होनी चाहिए। जी जी जी, वो इच्छा हो तो स्वतः हो जाता है। मैं एक छोटा सा एक राउंड आपके साथ खेलना चाहूंगा चौधरी साहब, एक शब्द में या एक सेकेंड या दो सेकेंड में आपसे इसका आंसर चाहूंगा। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने विशेष करके आपको प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, कौन सी एक बात थी? मैं तो पहला तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि 100 साल का दीदी को देखने का मेरा बहुत मन हुआ कि 100 साल में कैसे स्वस्थ रहे होंगे। और उस जब भी मैं ऐसे देखता हूँ तो मन में मेरे को लगता है कि हम भी क्यों 100 साल नहीं जी सके। तो वो मेरा प्रेरणा है, वो था तक 100 साल में उनका स्वास्थ्य कैसा है वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, और फिर भी इतना बड़ा कार्यक्रम था, शताब्दी का था, और हमारे पालमपुर के केंद्र वाले भारती बहन, सरला बहन, सब लोगों ने भी मुझे बहुत आग्रह किया। मेरा जो बनासकांठा का पालमपुर का केंद्र है वो सब दीदी और लोग है मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रखते हैं, और वो बोलते हैं तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। जी 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 जी, कौन सी एक ऐसी बात थी चौधरी साहब जिस एक बात ने आपको यहाँ बहुत प्रेरित किया, जो आपको हटके लगी, वो चीज बहुत यूनिक लगी जिसने आपको बहुत प्रेरित किया? मुझे आज मुझे लगा वो तो आपका जो ट्रैफिकिंग का है, जो शांत हो जाने का कंट्रोल स्टैंड बाय हो जाता है, मेरे को आज पसंद आया, बहुत पसंद आया। जी जी, ऐसे मतलब बीच बीच में हम रुक करके ईश्वर का ध्यान करें, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप इस बार यहाँ से लेकर जा रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी है? नहीं, मेरे को तो कैसा लगा कि जीवन में जो ये लोग ब्रह्मा कुमारी वाले में जानकी दीदी ने ये सब लोग इतने 100 साल जी सकते हैं, तो मेरे मन में ऐसा होता है कि हम भी शांति से जिए, आंतरिक शांति हो, हम भी अध्यात्म में थोड़ा ध्यान ज्यादा दे जी देते हैं हम, लेकिन और ज्यादा देंगे और योग करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम भी 100 साल जियेंगे। जी जी जी, एक बात चौधरी साहब जो यहाँ से जाने के बाद आप विशेष समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करें, ऐसी प्रेरणा मिली हो? देखो मैं तो ऐसे भी राजनीति में हूँ, लेकिन मैं प्रामाणिक राजनीति करने वाला आदमी हूँ, राजनीति ना उच्च मूल्यों में। तो मैं मेरा कभी भी एक भी भाषण ऐसा नहीं होगा कि मेरा प्रवचन कि उसमें शिक्षा के बारे में ना बोला हो, व्यसन के बारे में ना बोला हो, और समाज में जो बदियों है, असामाजिक तत्व है, तो उनके बारे में मैं लोगों को अवगत कराता रहता हूँ हर चीज में। मैं समझो कि अभी मोबाइल युग है तो मोबाइल जितना अच्छा है उतना बुरा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया में जो चीज़ें आती है वो मैं सरकार से 15 से 20 साल के लड़कों को ये यूज नहीं करने देना चाहिए, ऐसा मैं प्रवचन में बोलता हूँ। तो धीरे धीरे हम ये जो आज सुना है सभी प्रवचन, दीदी का आशीर्वाद लिया, वो सब हम लोगों के बीच बताएंगे, शेयर करेंगे। जी 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 जी, यहाँ का एक विशेष अनुभव जो आपको बहुत ही गहराई से छू गया हो कि मैं यहाँ आया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शरीर विश्वविद्यालय में, पहला तो पूरा कॉम्प्लेक्स देख के मैं खुश हो गया हूँ, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर भी डिसिप्लिन, सबके लिए भोजन 3 टाइम, ये सभी व्यवस्था जो देखी वो मेरे को बहुत पसंद लगी। पूरा इतना कार्यक्रम
अच्छा गया। जी जी जी, आज राष्ट्र को इस मंच से, इस आध्यात्मिक मंच से आप क्या संदेश देंगे? मैं पूरा विश्व को ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि अपने कितना भी व्यस्त समय में, क्यों हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, फिर भी उसमें से कुछ समय राजयोग के भी निकाले, योग के लिए भी निकाले, और आध्यात्मिक वातावरण में कम से कम दिन में एक घंटा सबको निकालना चाहिए, ऐसा मैं सबको संदेश देता हूँ। जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने बहुत सुंदर अनुभव हम सबके सम्मुख रखे हैं। सभी को मेरा नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप थे श्री हरि भाई चौधरी जी, जो भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। बहुत गहन, सुंदर और सार गर्भित हमारी चर्चा रही है कि सचमुच आज के जीवन में अध्यात्म और मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हैं, यदि इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो जीवन में सुख रहता है, शांति रहती है, आनंद रहता है। और यदि हम अपने आसपास थोड़ी सी विकृति देख रहे हैं, अपने समाज में, अपने देश में, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अध्यात्म को अपने जीवन में लाते चलते हैं तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और महान बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो क्यों ना हम स्वयं भी प्रकाशित हों और अपने आसपास भी प्रकाश फैलाएं। वैसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग को विश्व पटल पर रखा है कि भारत योग की शिक्षा देने वाला रहा है। तो जब हम योग को स्वयं अपने जीवन में लाएंगे, राजयोग सीखेंगे, राजयोग के अनुसार अपने जीवन को आचरण में लाएंगे, तो सारे संसार को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि सचमुच योग एक आदर्श मानव का निर्माण करता है, ऐसे मानव का जो सारे संसार के लिए होता है, जो अपने लिए ही नहीं जीता, औरों के लिए जीता है। तो जब ये हमारे जीवन और आचरण में आ जाएगा तो सचमुच सारे संसार को सुंदर हम प्रेरणा दे पाएंगे। और राजनीति का जो एक सुंदर ध्येय है, हम सबका एक जो सुंदर ध्येय है कि भारत जैसे विश्व गुरु था, आध्यात्मिक गुरु था, वो आध्यात्मिक गुरु का दर्जा भी तभी हम भारत माता को प्रदान कर पाएंगे, दे पाएंगे, दिला पाएंगे। तो इसकी शुरुआत हम सब क्यों ना करें अपने जीवन में, आध्यात्म को अपनाकर, योग को अपनाकर। तो क्यों ना अब हम आध्यात्म के पथ पर, योग के पथ पर चलें, अपने जीवन को, समाज को, संसार को श्रेष्ठ बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, एक नए मेहमान के साथ जल्दी ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।